के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाने से होता है? ऑप्शन आपके सामने काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कचड़े से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी का निर्माण लावा प्रवाह से होता है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यमंडल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो वायुमंडल का मध्यमंडल है, ये सबसे ठंडी परत है। इसका तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने साइरस, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा सूर्य है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा साइरस है। और अगर आपसे पूछते हैं कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो याद रखिएगा उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे अपघटक में नहीं रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। इसे याद रखिएगा कि अपघटक के अंतर्गत जीवाणु और कवक आएगा, लेकिन विषाणु नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो मान लीजिए कि कोई एक पशु है और वो मर जाता है। इसके मर जाने के बाद इस जानवर का अपघटन जो कर पाएगा, वो जीवाणु और कवक कर पाएगा, लेकिन विषाणु यानी कि वायरस नहीं कर पाएगा। क्योंकि विषाणु की यानी कि वायरस की ये क्वालिटी होती है कि जब ये किसी लिविंग सेल में जाता है, तभी ये एक्टिव होता है। क्योंकि ये जो जानवर था, ये मरा हुआ था, इसके सारे सेल्स मृत थे, इसी कारण ये विषाणु इसमें जाकर एक्टिव नहीं हो पाएगा और ये अपघटन में कोई भी हिस्सा नहीं ले पाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हिमालय, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी एंडीज या फिर ऑप्शन डी कोसियुस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है, वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। याद रखिएगा कि एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कोसियुस्को है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय या फिर ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महान हिमालय। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो माउंट एवरेस्ट है, ये महान हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग का निवारक अम्ल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सिट्रिक, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों, याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और आपको पता है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से भी स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल की सहायता से हम स्कर्वी रोग का निवारण कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके सामने 2 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 15 मिनट या फिर ऑप्शन डी 20 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मिनट। दोस्तों, याद रखिए कि पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने नील, ऑप्शन बी कोलोराडो, ऑप्शन सी इरावती या फिर ऑप्शन डी अराकानयूमा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलोरेडो। दोस्तों याद रखिए कि ग्रैंड कैनियन का मतलब होता है बहुत गहरा गड्ढा, जब बहुत ऊंची-ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक बहुत गहरा जो खाई होता है जो कि नदी होता है, तो इसी को ग्रैंड कैनियन कहा जाता है और यह कोलोरेडो में है जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन आपके सामने वलित, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी उथला या फिर ऑप्शन डी शंकुरूपी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलित। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हिमालय है वो नवीन बलित पर्वत है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने नायलॉन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी रबड़ या फिर ऑप्शन डी आइसोप्रीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेयॉन। दोस्तों याद रखिएगा कि रेयॉन को ही कृत्रिम रेशा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रबड़ किसका बहुलक होता है, तो याद रखिएगा आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसी में से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा गुजरती है और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवताओं का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1956, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1950 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। दोस्तों याद रखिए कि वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है और वन महोत्सव को शुरू करने का श्रेय के.एम. मुंशी को जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो याद रखिएगा कि जो जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पोटोमीटर, ऑप्शन बी क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन सी टैकोमीटर या फिर ऑप्शन डी ओडोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेस्कोग्राफ। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पौधों की वृद्धि मापते हैं उसके लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुयान की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किससे ज्ञात किया जाता है, तो याद रखिएगा ओडोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चैत्रा भूमि किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जगजीवन राम, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरसों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। तो याद रखिएगा कि सरसों के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो राजस्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा केरल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ने के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने शारदा नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी कुनार नहर या फिर ऑप्शन डी गोकुल बैराज नहर। दोस्तों क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट करके बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।